As an actor who's a part of a story like this, if I were to ask you as a person, अगर आपकी सोच में एक इंसान को एट द सेम टाइम दो लोगों से प्यार हो सकता है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? गुड क्वेश्चन. आई थिंक एक शेर भी था जो मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट किसी की मोहब्बत आखिरी नहीं होती, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर वही सब कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से. आई बिलीव कि जब आप शादी करते हैं इसका मतलब नो लेफ्ट नो राइट, इट्स ओनली दैट पर्सन. एंड आई थिंक पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, यही हमने मैसेज दिया था, तो आई स्टिक बाय इट. ठीक है, देयर इज नो रमशा, डू यू एग्री? आई डू बट पीपल कैन फॉल इन लव एट एनी टाइम. तो मोहब्बत तो हो जाती है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे भागना शुरू कर दें. मेरा सवाल ये नहीं था कि भागे या नहीं, मेरा ये सवाल था कि आपको मोहब्बत हो सकती है दो लोगों से? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देन कम्स लॉयल्टी कि हाउ रियल योर लव इज, एंड बाकी चीजें जो है वो मैटर करती है या नहीं करती, क्योंकि दिल तो बच्चा है और वो कभी भी कहीं पे भी लुढ़क सकता है. बट दिल के बाद दिमाग भी तो है ना, जिसको इस्तेमाल करने की जरूरत है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. यू एग्री रमशा? नो, आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव दैट अ पर्सन कैन फॉल इन लव विद टू पीपल एट द सेम टाइम. या आई फील लाइक अगर ऐसी नौयत है तो फिर पहले इंसान के साथ जो प्यार है वो खत्म हो चुका है, तभी you know it's possible, but I don't believe in that. I feel like I think pyar nahi hota, attraction ho attraction jati. Yeah, haan, like haan, infatuation infatuation ka aap kuch bhi keh dein, but yeah, this is what I believe. Aur but yeah, shayad hi un logon ke sath ho jinka dil bachcha nahi hai. हाँ. है ना? हर एक का दिल बच्चा नहीं होता ना. हाँ, हाँ, कुछ कुछ इसीलिए कहते हैं ना, पार्टनर को बड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए. एग्जैक्टली. अच्छा रमशा, व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर वी हैव गॉट स्टार्स लाइक मेविश एज वेल, बड़ा तजुर्बा है, इंटरनेशनली भी बड़ा काम किया है, हाउ डू यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन लाइक मेविश? मैन, शी इज लाइक, मैंने तो सोचा हुआ था व्हेन यू नो आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड एवरीथिंग, लाइक आई हैव सीन हर फिल्म्स एंड आई वाज लाइक, इफ आई वांट टू डांस, इफ आई वांट टू एक्ट इन फिल्म्स, आई वांट टू बी लाइक हर, यू नो. So it's just again like you know it's overwhelming, and someday I would want to work with her like ek saath, you know, because isme scenes nahi hai aap log scenes nahi hai, koi connection nahi hai teenon kahani ki ek saath aapas mein. So yeah, I'm happy, I'm proud of myself. Thank you. And maybe the fact that you're so vocal about so many things, kya zimmedari aati hai artists who've been working earlier pehle se, कि वो जो यंगर लॉट आ रही है उसको किस तरह से वो कॉन्फिडेंस दे या इनकरेजमेंट दे दैट यू गाइस हैव इट इन यू एंड वी आर देयर एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू. नहीं नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव जो भी टैलेंट नया आता है, क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ इतना लैक है, टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन उनको वो एक्सपोजर उस तरह नहीं मिलता या वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया के आई थिंक इट्स वेरी ईजी नाउ टू गेट रिकग्नाइज्ड. आपको लोग फ़ौरन पहचानने लगते हैं, आपके लिए लोगों की फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है. लाइक टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल, कितने बड़े वो स्टार्स हैं अपनी राइट में बिकॉज दे हैव फॉलोअर्स. बट द ओनली थिंग आई वुड से कि जो ज़रूरी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस एंड प्रोफेशनलिज्म. तो कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं, उनको एक्सपोजर भी मिल जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेनटेन दैट kind of name and reputation, otherwise then it's only a one hit wonder.